नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीरो बुको में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। दोस्तों, बहुत दिनों से मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेरी मिल रही थी कि फायर्स के डीमैट अकाउंट को कैसे क्लोज किया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि घर बैठे आप फायर्स के डीमैट अकाउंट को कैसे बंद कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन तरीके से, जहां पर आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शेयर मार्केट में अपना अकाउंट ओपन कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि शेयर मार्केट में हर कोई प्रॉफिट बनाए। तो बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में नुकसान करने के बाद अपने डीमैट अकाउंट को ऐसे ही इनएक्टिव पड़ा छोड़ देते हैं। इनएक्टिव पड़े डीमैट अकाउंट आपके सिविल स्कोर को भी खराब कर सकते हैं, ऐसे में आपको उनको बंद कर देना चाहिए। तो आज मैं आपको फायर्स के डीमैट अकाउंट को बंद करने के दो तरीके बताने वाला हूं। पहला तरीका एक ऑफलाइन तरीका है, जिसमें कि आपको कोरियर के माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट को बंद करना होगा। और दूसरा तरीका जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, वो है ऑनलाइन तरीका, जहां पर आप घर बैठे ही अपने फायर्स के डीमैट अकाउंट को बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑफलाइन तरीके के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, फायर्स पे डीमैट अकाउंट को बंद करने के लिए जो ऑफलाइन तरीका है, उसमें आपको उनकी ईमेल आईडी support@fires.in पर मेल करना है। मेल करने के बाद उसमें लिखना है कि आप अपना डीमैट अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो और अपनी क्लाइंट आईडी को वहां पर शो कर देना है। इसके बाद जब आप इतना काम कर दोगे तो अपनी मेल को सेंड कर देना है। तो हो सकता है वहां से रिप्लाई आए कि आप अपने डीमैट अकाउंट को क्यों बंद करना चाहते हो। तो आपको सिंपल सा बोलना है, आई डोंट हैव सफिशियंट फंड फॉर ट्रेडिंग, मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसा नहीं, इसलिए मैं अपने डीमैट अकाउंट को बंद करना चाहता हूं। तो हो सकता है वो आपको मेल के जरिए ही डीमैट अकाउंट क्लोजर फॉर्म को सेंड कर दें। आपको उस डीमैट अकाउंट क्लोजर फॉर्म को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको उनके रजिस्टर्ड जो ऑफिस का एड्रेस है वहां पर उसको कोरियर कर देना है। तो 7 दिनों के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगा। ये था ऑफलाइन तरीका। अब हम आपको बताने वाले हैं ऑनलाइन तरीके के बारे में, जिसको आप घर बैठे ही कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि आप फायर्स डीमैट अकाउंट को ऑनलाइन घर बैठे क्लोज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको फायर्स के ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उस पर अपने आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको माय अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको दाएं तरफ मौजूद ड्रॉप डाउन मेनू के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको आपका नाम और आपकी क्लाइंट आईडी शो होने लगेगी। आपको अपने नाम के ऊपर क्लिक करना है। नाम के ऊपर क्लिक करने पर पेज के मैनेज अकाउंट का ऑप्शन आएगा। मैनेज अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और पेज के नीचे आना है, जहां पर आपको क्लोज अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। आपको क्लोज अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लोज अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपसे बोला जाएगा कि यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यह तय कर लिया है कि आपको अपना डीमैट अकाउंट बंद करना है, तो आप नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करते ही आपसे बोला जाएगा कि आप अपने सिग्नेचर को अपलोड करें। सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को आपको रजिस्टर्ड कर देना है। इतना करने के बाद आपका जो डीमैट अकाउंट है वो 7 वर्किंग डेज के अंदर क्लोज कर दिया जाएगा और इसकी जो रसीद है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जब आप फाइनल डीमैट अकाउंट को क्लोज करने की रिक्वेस्ट को सबमिट करते हो, तो वहां पर एक मैसेज डिस्प्ले होता है जहां पर लिखा होता है यू हैव सम डेबिटेड और क्रेडिटेड बैलेंस, जबकि आपके डीमैट अकाउंट पर बैलेंस 0 होता है। फिर भी ये मैसेज अगर आपके केस में डिस्प्ले हो रहा है, तो फिर आपको फायर्स कस्टमर केयर को कॉल करना होगा और आपकी सुविधा के लिए फायर कस्टमर केयर के नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इन किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और वहां पर कॉल करने के बाद आपको उनसे अनुरोध करना है कि आप अपने फायर्स के डीमैट अकाउंट को बंद करना चाहते हो। जब वो वहां से कुछ सेटिंग्स को ऑन कर देंगे, तो आप इजिली घर बैठे अपने यहां से रिक्वेस्ट को फाइनल सबमिट कर सकते हो और इस प्रकार से आपका डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने डीमैट अकाउंट को बंद करना चाहते हो, तो आपको कुछ बातों का ध्यान पहले ही रखना होगा, जिसमें से पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके डीमैट अकाउंट में कोई भी शेयर नहीं होना चाहिए। अगर आपके डीमैट अकाउंट में कोई भी शेयर है, तो आपको या तो उसे किसी दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा या फिर उस शेयर को बेचना होगा। यानी कि आपके डीमैट अकाउंट में कोई शेयर नहीं है, तभी आप क्लोज अकाउंट की रिक्वेस्ट डाल सकते हो, नहीं तो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज है कि कई बार AMC वगैरह पे नहीं करने के कारण या और भी कई तरह के ड्यूज होने के कारण, चार्जेस लगने के कारण हमारे अकाउंट का बैलेंस निगेटिव चला जाता है। तो जब तक आप अपने इस नेगेटिव बैलेंस को क्लियर नहीं करते हो, यानी 0 नहीं करते हो, तब तक आप डीमैट अकाउंट को क्लोज करने की रिक्वेस्ट
नहीं डाल सकते हो। तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है, और इन दोनों बातों को फॉलो करने के बाद अगर आप डीमेट अकाउंट क्लोजिंग रिक्वेस्ट को डालते हो तो आपका डीमेट अकाउंट घर बैठे बड़ी आसानी से बंद हो जाएगा। और जब तक आपका डीमेट अकाउंट बंद नहीं हुआ है तब तक अपने ब्रोकर को 7 दिनों के अंदर एक बार मैसेज करके ईमेल आईडी पर आप पूछ भी सकते हैं कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उसका क्या स्टेटस है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।